गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ठीक है, लास्ट क्लास में कहां तक हम लोग किए थे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया था. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तक हो गया था ना? यस सर. सर तो उसी से आगे बढ़ते हैं फिर. सिर्फ उसको सर दो लूप के उपयोग से बनाए थे सर, बस उसमें लग रहा है कि नहीं लूप एक लगना चाहिए. बन तो गया था. नहीं बन गया था नहीं, आउटपुट देख लीजिए, चेक कीजिए. यस सर, आउटपुट भी आया था सर, एज लाइक कल जैसा आपने रन किया था उस रस 1 से 9 1 से 9 3x3 का. ठीक है, कोई और वैल्यू भी देके देखे थे? खुद से सर मल्टीप्लिकेशन किए नहीं थे, बट सर आपका जो आउटपुट आया था उससे सर मैच कर रहा था मेरा वाला. तो क्या किए हो दिखाओ? तीसरा लूप नहीं लिए हो? थर्ड लूप में यूज नहीं किए हो? नो सर. तीसरा? नो सर, एक वेरिएबल यूज कर लिए लूप के जगह पे. हाँ, उस वेरिएबल में क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो? सर 5 मिनट में दिखाते हैं सर. ठीक है सर. वो तो 3x3 के लिए था सर. अगर मतलब सर किसी में 2 रो हो तो सर. तो वही पहले तो ये मान के चलते हैं कि चलो 3x3 पे ही सोचा, तो वो देखना होगा ना कैसे सोचा सर. उसमें सर कितना भी बड़ा सर हम बना सकते हैं, बट सर वन एक एक थोड़ा सा चार वन लाइन कोडिंग बढ़ाना पड़ेगा. एक लाइन कोडिंग बढ़ाने के बाद कितना भी बड़ा कर सकते हैं हम लोग, जितना बड़ा करेंगे उतना मतलब लिखना पड़ेगा बस. हाँ तो ठीक है, पहले तो एक बार देखना पड़ेगा ना उसमें तुम कर क्या रहे हो. ओके सर, 5 मिनट से दिखाते. हर एक पैरामीटर पे वो सक्सेस है कि नहीं है. तो पहले देख लिया जाए या पहले उस पे काम कर लिया जाए? हम लोग कुछ पहले कुछ काम कर लेते हैं. यस सर. ठीक है, और कोई कुछ पूछने वाला कुछ भी नहीं ना है? बोले थे कि स्ट्रिंग देख के आने के लिए बोले थे. यस सर. देखे थे? यस सर. बोले तो थे, देखे थे कि नहीं? ओ सर ना देखे थे. यस सर देखे थे सर. देखे क्या पता चला देखने पे? देखने का मतलब पढ़ना होता है. ठीक है, अब जैसे भी आप पढ़े ठीक है, याद हो गया ना हुआ, 10 लाइन पढ़े 1 लाइन याद हो गया नहीं हुआ वही बताइए. जरूरी थोड़ी है कि हम लोग पढ़ेंगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा, नहीं होगा. हो सकता है 10 लाइन पढ़ेंगे एक वर्ड ही याद. स्ट्रिंग में सर और मोर कैरेक्टर्स है. जीरो और मोर कैरेक्टर्स दैट आर इंक्लूड विद इन डबल कोट. मतलब स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन डबल कोट में होता है. ठीक है. यस सर. ओके, और स्ट्रिंग क्या है? व्हाट इज अ स्ट्रिंग?
और असल नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट अल्फाबेट एबीसीडी तो एक जनरल और सर कैरेक्टर सर बोल सकते हो। यस सर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे सी में कहेंगे ठीक है कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स या सर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हाँ हाँ या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कंबाइंडली नोन एज क्या जानेंगे इसको हम लोग ठीक है ओके इसमें इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रिंग इज नॉट अ डेटा टाइप इज नॉट अ क्या डेटा टाइप ठीक है मतलब प्री डिफाइंड के अंतर्गत में ये नहीं आता है ठीक है इज नॉट अ डेटा टाइप ठीक है ओके एक छोटा सा आप लोगों को काम करना होगा और ओके सो स्ट्रिंग टर्मिनेट का मतलब क्या होता है टर्मिनेट विथ अ स्पेशल कैरेक्टर जिसको हम लोग क्या कहते हैं नल ठीक है या उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर होता है जीरो है ठीक है यानी बैकस्लैश जीरो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ये नल कैरेक्टर का रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नल कैरेक्टर ठीक है ये क्या है वो नहीं है ये क्या है जीरो है जीरो ठीक है ओके सर आप दिखा सकते हैं क्या रुक जाइए जैन हो गया सर लैपटॉप अब रुक जाइए थोड़ा डिक्लेरेशन में आते हैं चूंकि एरे ऑफ कैरेक्टर्स है तो जाहिर बात है कि उसका टाइप क्या होगा कैर होगा अरे स्ट्रिंग क्या है एरे ऑफ कैरेक्टर तो टाइप क्या होगा कैर होगी ठीक है यस सर और फिर यहाँ पे आपका स्ट्रिंग का नाम हो जाएगा स्ट्रिंग का नाम जो भी आप रखना चाहिए स्ट्रिंग वेरिएबल नेम भी आप इसे कह सकते हैं और ब्रैकेट में क्या दीजिएगा इसका साइज ठीक है ये इसका बेसिक डिक्लेरेशन का सिंटेक्स हुआ ठीक है ओके अब मान लीजिए कि दैट इज सर कैरेक्टर में सर न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे अल्फाबेटिकल भी हाँ हाँ सब आ जाएगा सिर्फ अल्फाबेट इसीलिए कोई बोल रहा था अल्फाबेट तो मैं उस समय ठीक है मैंने कहा कि सिर्फ अल्फाबेट्स कहने से नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग में अल्फाबेट डिजिट सिंबल सब अलाउड हो जाता है सब कुछ आप स्टोर करा सकते हैं ठीक है तो जैसे अगर कैर लेते हैं और सपोज कीजिए कि एस हम लेते हैं और यहाँ पे हम देते हैं 5 ठीक है
तो इसका मतलब कि इट विल एलोकेट्स हाउ मच, फाइव करेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 इट मींस इट विल होल्ड मैक्सिमम 5 करेक्टर्स लेंथ, ठीक है, कितना करेक्टर्स ले सकता है, 5 करेक्टर्स, ठीक है, 5 करेक्टर्स लॉन्ग, कितना करेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है, जो स्ट्रिंग हम बना रहे हैं एस जो हम बना रहे हैं वो कितने करेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है, 5 करेक्टर्स। तो सवाल ये उठता है कि नल कैरेक्टर जो आप कह रहे हैं कि 5 तक, ठीक है 5 तक हम देंगे, 5 तक एक्सेप्ट करेगा, तो नल कैरेक्टर कहाँ होगा, ठीक है। तो कहता है कि अगर 5 दिए हैं तो वो एक डिफॉल्ट अपने लिए वो क्या करेगा, ध्यान से समझना है, अपने लिए क्या करेगा, एक अलॉट करेगा। अगर आप टोटल कितना लिमिटेशन लेते हैं, 5 ले रहे हैं और 5 असाइन कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। यस सर। अगर आप 5 ले रहे हैं, ठीक है, और 5 ही दे रहे हैं, ठीक है, तो कहता है कि एक इंटरनली वो एलोकेट करेगा और इसमें उसमें क्या रख देगा, वो स्पेस, मतलब वो हमारे स्पेस में काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है, ओके। लेक ये इस केस में हम लोगों ने 5 दिया, 5 में क्या रख दिया, जैसे राजन, ठीक है, तो ऐसे केस में यहां पे क्या रख दिया, वो पॉइंट क्लियर, ठीक है, यस सर, ये मेरे स्पेस में नहीं है, ओके। लेकिन अगर हम एस लेते हैं और ठीक है, और अगर मैं सिर्फ 4 ही करेक्टर देता हूं, 3 ही करेक्टर देता हूं, यानी जितनी साइज ली हुई है उस साइज से कम कैपेसिटी वाला स्ट्रिंग मैं स्टोर कर रहा हूं, तो वैसे केस में क्या करेगा, नल करेक्टर के लिए फिर एक इंटरनल बनाएगा, ये इंटरनल तो कहता है कि ये तो बनाएगा, लेकिन तब बनाएगा जब ये पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा फुल नहीं हुआ है तो जहां पे स्ट्रिंग के कैरेक्टर एंड हुए हैं उसी के ठीक बाद क्या लगा देगा, नल कैरेक्टर। कुछ समझ में आ रही है बात, यस सर, ठीक है। जब हम इस स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करने की कोशिश करेंगे आगे, कोई ऐसी व्यवस्था जिससे हम स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करें, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करें, ठीक है, तो जो भी व्यवस्था हमको आगे मिलेगी लेंथ काउंट करने के लिए, उसमें ये नल कैरेक्टर जो है वो काउंटेबल नहीं होता है, नल कैरेक्टर काउंटेबल नहीं होता, अपने आप हो जाता है, आप जब इनपुट कराइएगा ना, ठीक है, तो वो अपने आप ऐड कर लेगा स्ट्रिंग में, वही तो समझा रहे हैं, ये हमें देने की जरूरत नहीं है, हाँ कहीं कहीं पे पड़ेगी भी जरूरत, कहीं कहीं पे पड़ेगी भी, वो कब कब पड़ेगी मैं बता रहा हूँ उसकी, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर स्ट्रिंग पे हम काम कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के लास्ट में क्या होना चाहिए, नल कैरेक्टर होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, नल कैरेक्टर होना ही चाहिए। अब ये नल कैरेक्टर देगा कौन, ठीक है, तो सामान्य व्यवस्था में ये सी देगा, कौन देगा, सी देगा। अगर नॉर्मल प्रिंटफ स्कैनअप से हम लोग स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं तो सी देगा, ठीक है, तो सी कैसे नल करेक्टर को असाइन करेगा, हम 5 का लिए हैं, 5वीं एंट्री करते हैं, तो कहता है कि एक इंटरनली बना के अगले में लगा देगा, ठीक है, यानी छठा हम नहीं बना रहे हैं, वो खुद से बना के नल करेक्टर लगा दे रहा है।
और अगर पांच कैरेक्टर का लिए हैं उससे कम का स्टोर कर रहे हैं तो ठीक है, तो कहता है कि जहां पे खत्म होगा उसके ठीक बाद वाले में नल कैरेक्टर लगा देगा। क्लियर? यस यस सर, क्लियर। एक मिनट, तो जिनका क्वेश्चन था उनको क्लियर हुआ थोड़ा सा? यस सर, क्लियर हो गया सर। हाँ, क्लियर हो गया। ठीक है, हमें भी ये नल करेक्टर हम खुद भी लगाते हैं, कब लगाते हैं वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी जितना बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए से। ठीक है, ओके। तो इस केस में वो खुद से एक ब्लॉक बना लिया एक बाइट का, उसमें रख दिया नल कैरेक्टर। और इस केस में चूंकि पांच से कम हम डाल रहे हैं तो ठीक जहां पे भी उसके बाद में जो भी खाली जगह है वहां पे नल कैरेक्टर लगा दिए, यानी इसमें इंटरनल जो जो इंटरनल एलोकेशन है वो कंपाइलर नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही ना हुआ, इसमें एक ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, और इसमें एक ब्लॉक नहीं कर रहा है, इसमें एक ब्लॉक कर रहा है, इसमें एक ब्लॉक नहीं कर रहा है। मतलब समझाने के लिए हम यहाँ दिए हैं कि ठीक है कि ऐसा करता लेकिन कर नहीं रहा। थैंक यू। क्लियर? इसमें एक ब्लॉक कर रहा है, हाँ हाँ ना में जवाब दीजिएगा जो आपको समझ में। जब आप पांच ले रहे हैं, पांच का पांच दे रहे हैं, तो एक ब्लॉक इंटरनल एलोकेट हो रहा है किसके लिए? रखने के लिए नल कैरेक्टर। जब आप पांच ले रहे हैं, चार ही दे रहे हैं, तो इंटरनल कर सकता है पर कर नहीं रहा है क्योंकि कह रहा है चार ही है और चार के बाद ही स्ट्रिंग आपका खत्म हो रहा है, तो जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद वाले ब्लॉक में मैं लगा दूंगा, क्या जरूरत है मुझे एलोकेट करने की। क्लियर? ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मान लीजिए कि हम एक 30 साइज का हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना कैरेक्टर उसमें होल्ड करा सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 30 कैरेक्टर सर। 30 कैरेक्टर करा सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए। अब एक चीज ये है कि क्यों नल कैरेक्टर लगाता है नहीं लगाता, एक टेक्निकल। ठीक है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, आप आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, मेमोरी के बारे में बहुत चीज जानते हैं। ठीक है, तो आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? ठीक, क्योंकि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप नहीं है तो कंपाइलर भी स्ट्रिंग का रिकॉग्निशन कैसे करता होगा? कैरेक्टर के फॉर्म में करता होगा। कैसे करता होगा? कैरेक्टर। And we know that one character allocates one byte. Everybody? One character is equal to one byte. And we also know that the memory cell is also divided, ठीक है, by the operating system in the form of bytes. Because this is the unit measurement. मैं जो बोला वो समझ में आएगा। यानी OS जो मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, वो सेल में करता है और हर सेल को एक बाइट के रूप में दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट OS के अनुसार हर एक सेल एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार है। ठीक, अब पूरा का पूरा मेमोरी बाइट्स में डिवाइडेड है, सेल में डिवाइडेड है। हम मान लेते हैं कि नल कैरेक्टर की व्यवस्था न दी जाती और हम मान लीजिए राजन या रवि लिख देते हैं, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम स्टार्ट तो करते हैं, इंड कहाँ पे करते हैं?
क्योंकि हर अगला ब्लॉक तो एक कैरेक्टर के बराबर है, तो एक कंफ्यूजन हो जाता। यस सर। हो जाता ना, हो सकता है कोई दूसरा कैरेक्टर भी उठा के हम इसमें जोड़ लेते। यस सर। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए कंपाइलर देखता है कि जैसे आपका स्ट्रिंग टर्मिनेट किया वो तुरंत जाके क्या लगा देता है, नल कैरेक्टर, ताकि जब मैं रीड करने जाऊं तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, और जैसे नल कैरेक्टर मिल जाएगा मैं रीड करना क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, मान लूंगा कि ये एक स्ट्रिंग है। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ नल कैरेक्टर हियर। पॉइंट क्लियर? यस सर। हर लैंग्वेज में ये मिले जरूरी नहीं है। जहां पे स्ट्रिंग टाइप होगा, जैसे जावा पढ़िएगा वहां पे स्ट्रिंग टाइप आप यूज करते हैं, तो वहां पे ये सब बातें नहीं होंगे। यहाँ पे नहीं है इसलिए यहाँ पे ये बातें हो रही है। क्लियर? ठीक। अब मैं उसका सोच रहा हूँ, देख लूं, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, दिखाओ जी तुम अपना। परमिशन नहीं है सर। मिल गया, देखो ना। मिला है? यस सर। हो गया सर। अभी तो स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग लिख रहा है। अरे बाबा, ये तो तुम बहुत बड़ा कर दिए हो जी। सर वही तो बोले सर, हो गया है लेकिन वहां पे लूप की कमी दिख रही है। एस क्या है? एस लूप को पूरा कर रहा है, वेरिएबल है सो। और एक्स को, एस को फिक्स कर दिए हो जीरो। जीरो फिक्स किए। यस सर। अरे बाबा, तो ये तो हम फिर चार के लिए करेंगे, तो पांच के लिए करेंगे, तो छह के लिए करेंगे, तो ये तो तुम्हारा संख्या बढ़ जाएगा। यस सर। यदि चार के लिए कर रहे हैं तो सर इसको कॉपी करके, नहीं 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 पेस्ट कर देंगे। नहीं 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 नहीं, हम जो बताएं, हम जो बताए हैं उसमें तो सिर्फ तुम साइज को चेंज कर दो, कोई yes, कहीं पे कोडिंग नहीं चेंज करना होगा। यस सर। ठीक है, तो वही तो सर बोले कि इसमें दिख रहा है लूप की कमी। हाँ, तो ये इसमें लूप की कमी दिख रही है, और दूसरी बात है yes, कि हर एक चेंज साइज पे कोड को बदलना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है। yes, ठीक है, एक तो, हाँ तो ये सहानुभूति के लिए ठीक है, लेकिन एक लंबे रेस के घोड़े के लिए जो एल्गोरिथम को दौड़ाना है उसमें ये गड़बड़ है। कोई क्यों एडॉप्ट करेगा ये? तुम कहोगे कि साइज बढ़ाइएगा तो यहाँ जोड़ लीजिएगा ना, तो इतना कोई कॉम्प्लेक्सिटी लेगा? नहीं लेगा। तो दैट्स व्हाई वो बेहतर है। हाँ, अगर कुछ और सोच सकते हो जिसमें हम साइज कुछ भी चेंज करें, कोड में कोई वेरिएशन, तो बिना लूप के सर ऐसा होगा ही नहीं। तो वही बात तो मैंने बताते समय भी बता दिया था ना, पर फिर भी एक तो मैंने आपके लिए एक रखा था कि कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला, आप लोग मैथ भी पढ़ते हैं, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला सेट कर जाए, ठीक है, कि हमको तीसरा लूप ना लेना पड़े, ठीक है, और बिना तीसरा लूप लिए वही मैथमेटिकल फॉर्मूला कितने भी रो साइज कॉलम साइज के लिए काम कर जाए। मैंने एक एजम्पशन, मैंने ये नहीं गारंटी नहीं दिया था, मैंने कहा था कि अगर आपको हो तो ऐसा कीजिएगा। मेरे को ये अभी तक नहीं समझ में आया, एंड मेरे को लगा कि तीसरा लूप ही यूज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई मैं आपको तीसरे लूप से ही बताया था। ठीक है, चलो तो ठीक है, लेकिन तुम इतना प्लान करते हो, अच्छी बात है, दिमाग तो दौड़ाते हो ना जी। सर, यस सर, इसमें कर तो सकते हैं लेकिन सिर्फ हम लोग के लिए। अच्छा, उसको नहीं, कोड वाला नहीं, वो तरीका सही नहीं है। हर बार हर चेंज पे कोड बढ़ाना पड़े घटाना पड़े, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए कि एक बना दे और वो सबके लिए काम करे, ऐसा ही सोचना है। यस सर। ये सर मैथ का मैनुअल जिस तरह होता है उस तरह हो गया। हाँ हाँ, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नल कैरेक्टर का मतलब भी आप समझ गए, क्यों लगा रहा है सी, समझ गए? Yes, ठीक है, अगर हम ये नल कैरेक्टर किसी वजह से हटा दे तो गलत तो नहीं होगा,
पर जब आउटपुट इस एस का आउटपुट जब हम लाएंगे ना तो राजन के साथ कुछ गार्बेज वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो जो मेरे इस राजन के साथ ऐड नहीं था वो भी इसमें ऐड कर लेगा कुछ गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसीलिए हर एक स्ट्रिंग के एंड में क्या लगा देता है, कैरेक्टर लगा देता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब एक सिंगल डायमेंशन एरे ऑफ कैरेक्टर से कितने स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो हम अभी लिखे हैं ये क्या है, सिंगल डायमेंशन है कि मल्टी डायमेंशन है? सिंगल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन है, वेरी नाइस, ये एक सिंगल डायमेंशन है। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि इस सिंगल डायमेंशन से हम कितना कर रहे हैं, इस सिंगल डायमेंशन स्ट्रिंग से हम कितने स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे एट ए टाइम? फाइव कर रहे हैं। ठीक से बोलो, सोच समझ के बोलो। कैरेक्टर को स्ट्रिंग नहीं कहा जाता है सर, वन सर, वन स्ट्रिंग वैल्यू। वन स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमको एक से ज्यादा स्ट्रिंग वैल्यू को एट ए टाइम स्टोर करना है तो फिर कहता है वी हैव टू यूज, वाह 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 नाइस, तो हमको क्या लेना होगा, डबल डायमेंशन। ठीक है, मोर देन वन स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है सर, कैसे? तो सर ऐसे ले लेंगे, कैर एस 5 और यहाँ पे 20। ठीक है, तो सर यहाँ पे 5 का क्या मतलब है, 5 स्ट्रिंग वैल्यू? सर एक स्ट्रिंग 5, एक स्ट्रिंग 5 का होगा, 5 का ना 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 5 स्ट्रिंग वैल्यूज, यस 5। और ये 20 क्या बता रहा है, कैरेक्टर? हाँ, साइज ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच स्ट्रिंग, है ना, प्रत्येक स्ट्रिंग का मैक्सिमम साइज कहां तक जाएगा, 20। ठीक है, तो नल कैरेक्टर इसमें भी होगा, ऐसा नहीं है कि नल कैरेक्टर इसमें नहीं होगा। पहला स्ट्रिंग देंगे जीरो वाला में तो उसमें आप मान लीजिए जितना भी बड़ा दें, ठीक है, रवि दिए तो जहां पे आई खत्म होगा उसके बाद नल कैरेक्टर हो जाएगा। दूसरा स्ट्रिंग दिए रमेश, ठीक है, तो जहां पे एच खत्म होगा उसके बाद नल कैरेक्टर लग जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। तो ये तरीका आपका हो गया, डबल डायमेंशन हमको यूज करना पड़ेगा अगर हमें एक से ज्यादा स्ट्रिंग एट ए टाइम होल्ड करना है तो। ठीक है, अगर एक ही स्ट्रिंग पे काम करना है तो हमारे पास सिंगल डायमेंशन है, और एक से ज्यादा स्ट्रिंग पे काम करना है तो हमारे हमको लेना पड़ेगा डबल डायमेंशन। क्लियर? ओके, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग यूजेज इन प्रोग्राम, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैनिपुलेशन ही रखिए। मैनिपुलेशन में तो सारी चीज आ जाएगा ना, इनपुट आउटपुट मॉडिफिकेशन सब आ जाएगा मैनिपुलेशन में। यस सर। इसके अंतर्गत पहले हम लोग बात करते हैं, मतलब हाउ टू इनपुट आउटपुट।
ठीक है। यहां पे हमारे पास दो व्यवस्था है, कितनी व्यवस्था है? दो व्यवस्था। एक तो स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करें, कैसे करें? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। और दूसरी व्यवस्था है कि स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग करें, ठीक है। पहली व्यवस्था क्या है? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करें। दूसरी व्यवस्था क्या है? स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग करें, स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग, ठीक है। अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का मतलब हुआ कैरेक्टर मीन्स टू इनपुट और आउटपुट द स्ट्रिंग एज कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टाइम वैसे भी टाइम इंड हो रहा है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप कैर एस लिए थे अभी, फाइव ई के पे लेते हैं, और हमको इसमें मान लीजिए रवि स्टोर करना है, तो पहला कैरेक्टर किस इंडेक्स पोजीशन पे जाना चाहिए? जीरो। ये जो तरीका हम यूज कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंडेक्सिंग वर्ड। नहीं, ये जो तरीका चाहे हमें साइन करें या इनपुट करवाएं, ये तरीका क्या कहलाएगा? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बाय इनपुट, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के केस में कहता है ना कि जब आप स्ट्रिंग का इनपुट आउटपुट या मैनिपुलेशन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली इनपुट जब आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर रहे हैं, तो कंपाइलर कहता है कि नल कैरेक्टर हम नहीं लगाते हैं। हम नल कैरेक्टर तभी लगाते हैं जब आप स्ट्रिंग को किस फॉर्म में इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में, किस फॉर्म में? स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो इसका मतलब कि सर अगर S3 में आई हमको रवि यहाँ एंड करना है, तो कहता है कि तब S4 में जाके आपको खुद से क्या लगाना होगा? ठीक है, ये आपको मैनुअली यूज करना होगा, ठीक है। यू हैव टू पुट इट क्या मैनुअली, ये नहीं करेगा कंपाइलर आपके लिए। पॉइंट क्लियर? लेकिन जब आप इसको स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग करेंगे, लाइक प्रिंटएफ स्कैनएफ से हम इनपुट कराएंगे, परसेंट एस का इस्तेमाल करके करेंगे, ठीक है, या आगे हम आपको पुट्स गेट्स बताएंगे, उससे अगर हम करेंगे तो कहता है कि ये लगाने की जरूरत आपको नहीं है, वो मैं लगा दूंगा, वो मेरे फंक्शन में वो कैपेबिलिटी है, वो खुद से इंसर्ट कर देगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? कौन है भाई? क्या जी मुजफ्फर अंसारी है? हाँ जी अंसारी जी, अरे बोलिएगा, अरे कुछ कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। अरे जब बोलना ही नहीं रहता है तो काहे ला बोलते हैं? हाँ, तो यू हैव टू पुट इट मैनुअली, आपको ये मैनुअली रखना है,
लेकिन आज जब हम आगे इसको स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग करेंगे, स्कैनएफ के जरिए इनपुट कराएंगे, गेट्स के जरिए इनपुट कराएंगे, आगे आपको बताया जाएगा, तो वैसे केसेस में ये नल करेक्टर आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी उतना ही ट्रू है कि अगर हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के कंसेप्ट से स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं, ठीक है, तो जो प्रीडिफाइंड टर्म जो हमको प्रोवाइड किया जा रहा है सी के द्वारा स्ट्रिंग को मैनेज करने के लिए, यूज करने के लिए, वैसा फंक्शन हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि वो फंक्शन भले हमको स्ट्रिंग के रूप में प्रोवाइड किया गया है, प्रीडिफाइंड करके प्रोवाइड किया गया है, लेकिन हम चाहेंगे तो वैसा फंक्शन हम खुद भी बना सकते हैं इस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वाले कंसेप्ट को यूज करके, क्योंकि वो भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के कंसेप्ट पे ही बनाए गए हैं। मैं जो बोला वो समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, देखिए हम लोग अप्लाइड पढ़ रहे हैं, तो अप्लाइड मान लीजिए सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट से हमको स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग से काम चल रहा है, तो हम क्यों इस कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़े, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां तो कह रहा है कि आप स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग निकालिए, लेकिन हम सिखा इसलिए रहे हैं कि आप सिर्फ हमेशा आप एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सोचेंगे, आप तो ये भी सोचेंगे कि भाई ये फंक्शन बना हुआ है तो हम भी अपना फंक्शन ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा चाह सकते हैं ना, या कुछ डिफरेंट करना चाह सकते हैं। तो कहता है कि जो बना हुआ है उसके जैसा या कुछ अगर डिफरेंट करना है तो फिर जो कंसेप्ट काम आएगा वो कौन काम आएगा, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर ही काम आएगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग चर्चा आज थोड़ा ये हो गया है, स्टार्टअप था, पहला क्लास था, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पीडीएफ में भेज दूंगा, आज ही का गई, पहले का भेजा जा चुका है ना, मतलब सिर्फ आज ही का भेजना है ना। अरे ये 21 वाला, ये वाला आया है कि नहीं सर? हेलो सर। हाँ सर, एक बार पूरा फाइल ही नहीं एक्सट्रैक्ट करके भेज। अरे पूरा फाइल कैसे होगा, पूरा भेज दें। शुरू से लेकर अभी तक का पूरा? यस सर। क्यों सब, सब क्या हो गया तुम लोग का जो भेजे थे पिछला? नो सर, ढूंढने में सर नहीं, फॉर्मेट मार दिया। अरे तो उसको रखने का था ना, कहीं पे डाउनलोड करके रख लेने का था, एक जगह कोई फोल्डर बना लेते मोबाइल में या लैपटॉप पे। और हम जो भेजते हैं वो तो बड़ा छोटा छोटा फाइल रहता है। यस सर। ठीक है, ऐसा नहीं रहता है एमबी उमबी में, 4 MB 5 MB रहता है कि खुलने में भी डेटा का भी इश्यू है, तो केबी में रहता है नॉर्मली। ठीक है सर, 31 तारीख तक सर मैं सारा का सारा भेज दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, आज मैं टोटल जितना होगा ना सबको सेव कर लेता हूँ और टोटल का टोटल सेलेक्ट करके भेज देता हूँ। ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और ये वाला काम